वेलकम बैक। अभी आप बता रहे हैं आमिर लियाकत हुसैन की नाजीबा वीडियो की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन ताहाल एफआईए को ना मिल सका। साबिक बेगम दानिया शाह की जानिब से मस्कूरा मोबाइल फोन फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। नुमाइंदे खसूसी जावेद असगर चौधरी ने हमें ज्वाइन कर उनसे बात करेंगे। जावेद साहब बताएगा एफआईए जराए ने इस बारे में क्या बताया। जी जैसा कि आपने नाजिम को आगाह किया, आमिर लियाकत की साबिक बेगम दानिया की एफआईए के हाथों गिरफ्तारी और तहकीकात में नई चीजें सामने आई, जिसके मुताबिक आमिर लियाकत की नाजिबा वीडियो की तैयारी में जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन ताहाल एफआईए को नहीं मिल सका है। मस्कूरा मोबाइल फोन दानिया शाह की जान से फरोख्त किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है और लोधरा में गिरफ्तारी के वक्त बरामद फोन दानिया शाह ने कुछ अर्सा कबल नया लिया था। ये कहना दानिया शाह का तहकीकती अफसरान के सामने, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल था आमिर लियाकत की नाजिबा वीडियो के असर होने के बारे सबूत भी एफआईए के पास ताहाल मौजूद नहीं है। नाजिबा वीडियो बारे फॉरेंसिक रिपोर्ट भी ताहाल तहकीकती टीम को मौसूल नहीं हुई है और दरकार मोबाइल फोन के आई ई एम आई नंबर के जरिए मोबाइल फोन के मौजूदा मालिक तक पहुंचने का फैसला किया गया है। दानिया शाह की गिरफ्तारी चंद में कबल तक लोधरा में परफ्यूम खरीदारी की वीडियो भी वायरल हुई है, जिसके दौरान वीडियो में दौरान खरीदारी एफआईए के टीम के दानिया शाह के करीब पहुंचने के मुनाजिर भी वाजे हैं और जराए का ये कहना है कि इसी बुनियाद पर इन जो चीजें दस्तियाब हैं उसकी बुनियाद पर दानिया शाह के रिमांड देने की बजाय उनको जेल का स्टडी कर दिया गया। तहम तफ्तीशी जराए का ये कहना है कोई जल्द ही मोबाइल फोन के मौजूदा मालिक तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद तहकीकात में मजीद पेशकश सामने आएगी। जी बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे।